सावन का महीना चल रहा है, मुसलमानों और लिब्रांडुओं के मुंह से आपको ये सुनने को हर बार मिल जाएगा कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग क्या भूखा या प्यासा मर रहा है। लेकिन हजारों वर्षों से जिनकी लाशें जमीन में गड़ी हुई हैं, उन सड़ी हुई हड्डियों का ऐसा कौन सा निमोनिया खा रहा है कि उनके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री तिलक चादर भेजता है। विचार करने योग्य बात यह है कि आस्थाओं पर कुठाराघात केवल हिंदुओं के होता है, इसके अलावा किसी को भी कुछ भी कहने से डर लगता है, क्योंकि सर तन से जुदा और तन सर से जुदा होने का खतरा बना रहता है। जिन लोगों के गुद्दे में इतना दम नहीं होता कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके, वो हमेशा अपनी ही कौम से गद्दारी करते हैं। और आपके पड़ोस में रहने वाला वो व्यक्ति जो इन पर हरी चादर फेंक करके आता है, चढ़ा करके आता है, जो वहां पर थूक बिरयानी खा करके आता है, वो हर व्यक्ति आपकी जान का दुश्मन है, गद्दार है और इस देश और इस धर्म का भी प्राण घातक है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। अपने लोगों को कारोबार दें, अपने लोगों को रोजगार दें, अपने लोगों को व्यापार दें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस्लामिक जिहाद एम ए खान की एक किताब, जिसके बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि अजमेर में किस प्रकार से हिंदू का सफाया करके वहां पर पृथ्वीराज चौहान जी की जो वैभव था, जो ऐश्वर्य था और जो उनका प्राचीन इतिहास था, उस सबको समाप्त किया गया, किस प्रकार से हिंदू गुलाम बना करके उनको विदेश भिजवाया गया, किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरीके से गजवाए हिंद को काबिज करने के लिए उन्होंने सूफिज्म का नाम देकर के एक सॉफ्ट पॉइजन हिंदुओं की नसों में उतारा और किस प्रकार से उनका इस्लामीकरण किया। इस किताब को मैंने मंगवाया, ये 1800 रुपये से ज़्यादा की किताब है। अगर इसको आपने हार्ड कवर मंगवाना है तो ये तकरीबन 2400 रुपये से ज़्यादा की पुस्तक है। इसकी फ्री PDF हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक मैं नीचे दे करके रखता हूँ, ये फ्री में ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की हमसे शिकायतें रहती हैं कि आप तो सनातन आर्ट पर पुस्तकें बेचते हैं, ये कोई नहीं जानता शायद कि इनका जो दशांश होता है वो सनातन सेतु के निर्माण में लगता है। सनातन सेतु सभी सनातनियों का अपना प्लेटफॉर्म है जहां से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आज की जो बात है हमारी, वो सबसे पहले हमने करनी ही दरगाहों के ऊपर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर है, उसके उस बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर बात करनी है। और बात करनी है हमने सरकार में बैठे हुए ऐसे मुस्लिम नेताओं के विषय में कि जिनके चलते, जिनके रहते भारतवर्ष में ना केवल UPSC जिहाद को बढ़ावा मिला बल्कि इन दरगाहों का भी मुंह आसमान से ऊंचा हुआ, जिसके चलते भारत में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हुई, गले रेते गए और सर तन से जुदा का नारा भी इसी हुकूमत इसी सरकार में लगा, क्योंकि इस हुकूमत और इस सरकार ने उन्हीं सूफियों के आशीर्वाद प्राप्त ऐसे लोगों को नेता और मंत्री बना रखा है कि जिनका पूरा पूरा आशीर्वाद इनके खादिमों पर है, इनके चुस्तियों पर है। मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रकार के नेताओं को मंत्री बनाया हुआ था, जो कि एक सांसद बनने, एक चुनाव जीतने तक की जिनकी औकात नहीं, उनको राज्यसभा भेज भेज करके उनको मंत्री बनाया गया और खास करके अल्पसंख्यक आयोग का मंत्री बनाया गया और उनसे दरगाहों को खूब चादरें भिजवाई गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्या मिला? हिंदुओं की कटती हुई गर्दनें और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की जान से मारने की धमकियां। आज चुश्तियों के ऊपर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से अजमेर की दरगाह ने एक झूठे केस में हमारे ऊपर आतंक तलक की धाराएं लगवा दी और हमने कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है, खादिमों, चुस्तियों और दरगाहों के जितने भी ये पालनहार हैं और हिंदुओं का बेवकूफ बनाकर उनको थूक बिरयानी खिलाने वाले लोग हैं, एक दिन न्याय होगा और तुम सब के सब रोड पर आओगे। आज एक सर्वे में ये पता लगा है कि 90% से ज़्यादा मात्रा में हिंदुओं ने आज की तारीख में अजमेर दरगाह में जाना बंद कर दिया है। जो यहाँ दिल्ली में जो निजामुद्दीन की जो दरगाह है, 60% से ज़्यादा हिंदुओं ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया है और इसकी खास वजह यही है कि हिंदुओं में लगातार अवेयरनेस आ रही है। हिंदू अब लगातार इस बात को जान रहा है, सीख रहा है कि इन्हीं दरगाहों से पहले भी स्लो पॉइजन, शहीद और गाजी की जो उपाधियां थी प्राप्त करके लोग जो निकलते थे, उसी से ही हमारे हिंदुओं की रगों में ये इस्लामीकरण का जहर उतारा जाता था और उसी की आड़ में आतंकवाद को फलाया और फुलाया गया था। इस हुकूमत में जिस प्रकार से UPSC जिहाद में एक एक साल में 50-50, 60-60
ए ग्रेड के सर्वोच्च कोटि के जो पदाधिकारियों का चयन कराया गया है उसके हिसाब से ये बात महसूस होती है, पता लगता है कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा हामिद अंसारी, एक जिहादी जिसने कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का साथ दिया, जिसने कि सिमी का साथ दिया, फिर जिसने कि पीएफआई का साथ दिया, सबका साथ देकर के भारत में इस्लामीकरण की जो नींव खोद रहा था, जो आधारशिला रख रहा था, उन सब की तरह ही ये 50-50, 60-60 अन्य और भी लोग तैयार हो रहे हैं। बिहार के अंदर सन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिन मोहम्मदीनों का नाम सामने आया है उन्होंने अभी तक बिहार में 15,000 से ज्यादा मोहम्मदीनों को ट्रेनिंग दे दी है और उनको पूरी तरीके से गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडा पर आधार पर काम करने का पूरा काम सिखा दिया है। आज भारतवर्ष का ये हशर है, ये हालात हैं कि हिंदू को ये तलक नहीं पता कि हमारा असली दुश्मन कौन है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनका दुश्मन कौन है, उनका दोस्त कौन है, कौन से देशों से उनको ये सहायता मिल सकती है, कौन से देशों से वो युद्ध की रणनीतियां सीख सकते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कॉकटेल बना करके किस प्रकार से भारत में गजवाए हिंद का जो काम है वो सरलतापूर्वक किया जा सकता है, उनको सब पता है। हिंदू को ये तलक नहीं पता कि सामान किससे खरीदना है, काम किसको देना है, काम किससे लेना है, ये नहीं पता है। ये पूर्ण रूपेण अंधे होकर के शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन आज भी जमीन में धसाए बैठे हैं, लेकिन उनके सारे के सारे फंडे क्लियर हैं। बिहार से एक और आतंकवादी पकड़ा गया है। उस आतंकवादी के हिसाब से 2023 में ही उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन करना था और जिसके हिसाब से भारतवर्ष को एक बार फिर से घुटनों पर लाकर के इस्लामिक जिहाद का झंडा बुलंद करना था। मां ने कहा कि ये तो मेंटल है, पागल हो चुका है, बाथरूम में भी नंगा जाया करता था। अब इनकी माताजी से कोई पूछे कि बाथरूम में कपड़े पहन करके कौन नहाता है तो आप भी समझ जाएंगे कि माताजी भी इसी एजेंडा पर और इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रही हैं जिस पर कि कैप्टन मोमो साहब 1400 साल से काम कर रहे थे। यानी कि माँ, बीवी, बच्चा, किसी से भी बात कर लो, सारे के सारे प्रोपेगेंडा में पूर्ण रूपेण लिप्त रहते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में पूछो कि तुम्हारे घर में आतंकवाद पल रहा है तो सीधी सी बात कहेंगे, हेडमास्टर का बेटा है, मानसिक रूप से विचलित है, उसका दिमाग खराब था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोरखपुर मंदिर पर हमला करने गए एक आतंकवादी के हाथ में जब हथियार देखा और जिसने कि पुलिस वाले और स्थानीय लोगों को घायल कर दिया तो उसको भी पागल बता दिया गया था। यही नहीं, पागलपन की आप हद देखिए के निजामुद्दीन में बैठे हुए एक मौलाना से जिस समय पर यह पूछा गया कि कन्हैया लाल जी की जो हत्या की गई है उसके विषय में आपका क्या कहना है, तो मौलाना जो है, जो खादिम है वहां का, जो चुस्ती है उस दरगाह का, वो हंसने लग जाता है। आप जरा सोचिए कि जितनी निर्ममता के साथ में जिस प्रकार से उनके ऊपर 40-50 बार हमला किया गया, जिस व्यक्ति की लाश सड़क पर पड़ी रही, जिस व्यक्ति को वहां पर कोई उठाने वाला तलक नहीं था, जिस व्यक्ति के शरीर से बहता हुआ खून नालियों में पट गया, उस व्यक्ति की हत्या के बाद में क्या कोई व्यक्ति हंस सकता है? एक ही कौम का व्यक्ति हंस सकता है और वह है कैप्टन मोमो के द्वारा बनाए गए कल्ट से आने वाला एक गद्दार दीमक कौम का व्यक्ति। और यह व्यक्ति अपने आप को क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। ये क्या कहते हैं कि हमने गंगा जमनी तहजीब को बचाया हुआ है, इन सूफियों ने, इन चुस्तियों ने इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की एकता बनाई हुई है। और जब किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो क्या होता है? ये मौलाना लोग हंसते हैं। ये तो बात कैमरे के सामने की है, जो लोग कैमरे से अलग अपने घरों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इन लोगों को गाजी बता रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, उनके परिवारों की रक्षा कर रहे, सहायता करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने कन्हैया जी की हत्या की है हमें भी उन लोगों को प्रेज करना चाहिए, उनके जैसे अपने लोगों को तैयार करना चाहिए। 2047 यानी कि 25 साल के बाद में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जिस प्रकार से पाकिस्तान की नींव, जिस प्रकार से उसकी अवधारणा
तकरीबन 1916 में ही रख दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से आज ये बात हो रही है। यानी कि वहां पर भी 41 साल लगे थे और यहां पर 25 साल की बात हो रही है, तो तैयारी किस हद तक होगी ये बात आप जरा खुद से पूछिए। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट से कैप्टन मोमो का अस्तित्व और उसके खुदा का अस्तित्व खतरे में आ जाता है और उसके बाद में सैकड़ों हिंदुओं को घरों से निकाल करके मारा जाता है, जिस प्रकार से उनके घरों को, उनकी आस्था के केंद्रों को, मंदिरों को, उनकी पुस्तकों को जलाया और जलील किया जाता है, इन सब से हमें इस बात का भी अंदाजा लगता है कि भारतवर्ष में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर क्या हश्र हिंदुओं का होता होगा। झारखंड में आप ऐसे बहुत सारे स्थान देख चुके हैं जहां पर दर्जनों विद्यालयों की प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं और जहां पर उनके छुट्टी के दिन बदल चुके हैं, जहां पर उनके द्वारा काम करने के तरीके बदल चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर भारत का इस्लामीकरण होता है तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग होंगे जो आपके पड़ोसी हैं, वो लोग जो आपके मुंह पर तो भाई जान और बीबी जान, दीदी जान करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में, सपने में आपको केवल और केवल जान और या फिर जान से मारने के ही सपने के रूप में देखते हैं। वो लोग जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो सुरेश, रमेश और सिद्धार्थ नाम से, या उनकी बीवियां, या उनके बच्चे होंगे, जो दरगाहों पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, मुसलमानों और लिब्रांडुओं के मुंह से आपको ये सुनने को हर बार मिल जाएगा कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग क्या भूखा या प्यासा मर रहा है। लेकिन हजारों वर्षों से जिनकी लाशें जमीन में गड़ी हुई हैं, उन सड़ी हुई हड्डियों को ऐसा कौन सा निमोनिया खा रहा है कि उनके ऊपर हमारा प्रधानमंत्री तिलक चादर भेजता है? विचार करने योग्य बात यह है कि आस्थाओं पर कुठाराघात केवल हिंदुओं के होता है, इसके अलावा किसी को भी कुछ भी कहने से डर लगता है, क्योंकि सर तन से जुदा और तन सर से जुदा होने का खतरा बना रहता है। जिन लोगों के गुद्दे में इतना दम नहीं होता कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके, वो हमेशा अपनी ही कौम से गद्दारी करते हैं। और आपके पड़ोस में रहने वाला वो व्यक्ति जो इन पर हरी चादर फेंक करके आता है, चढ़ा करके आता है, जो वहां पर थूक बिरयानी खा करके आता है, वो हर व्यक्ति आपकी जान का दुश्मन है, गद्दार है और इस देश और इस धर्म का भी प्राण घातक है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। अपने लोगों को कारोबार दें, अपने लोगों को रोजगार दें, अपने लोगों को व्यापार दें। जिन लोगों को ये फ्री पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और जिन लोगों को हिंदी में ये सभी जिहाद की पुस्तकें चाहिए वो हमारे सनातन हाट पर आकर के वो सभी पुस्तकें खरीद सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।